नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। हमारे पिछले लेक्चर में हमने जनजातीय अंचल में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले पर्व एवं त्यौहारों की चर्चा की थी और आज के लेक्चर में, जो कि ये इस टॉपिक का दूसरा भाग है, उसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले लोक पर्व एवं त्यौहार की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लोक पर्व एवं त्यौहार की बात की, ना कि पर्व एवं त्यौहार की। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ अंचल में जो विशेष रूप से पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं, हम यहाँ पर उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोक पर्व एवं त्यौहार होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, लोक पर्व एवं त्यौहार ये चार शब्दों से मिलकर बना है और सबके अलग अलग महत्व हैं। लोक शब्द इंग्लिश के फोक शब्द का समानार्थी है, जिसका अर्थ होता है जनसाधारण या फिर लोक। पर्व पर्व सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव है, सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव। वहीं पर त्यौहार किसी तिथि या वार से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी पर्व को सामूहिक रूप से मनाया जाता है और जो त्यौहार है वो पर्टिकुलर कोई तिथि या वार होता है। किसी पर्टिकुलर तिथि या वार में अगर हम कोई उत्सव मना रहे हैं तो उसे हम त्यौहार कहते हैं, और अगर सामूहिक रूप से वृहद स्वरूप में अगर हम किसी उत्सव को मना रहे हैं तो उसे हम पर्व कहते हैं। त्यौहार का एग्जाम्पल है जैसे कि गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर डेट में मनाया जाता है उसे, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, त्यौहार कहेंगे। वहीं पर पर्व की बात करें तो दिवाली, होली, ये सभी क्या हैं, पर्व हैं, क्योंकि इसे किसी भी पर्टिकुलर डेट में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हम पर्व एवं त्यौहार को क्यों पढ़ें। जब भी हम किसी क्षेत्र के पर्व एवं त्यौहार की चर्चा करते हैं तो हमेशा इस पर्व एवं त्यौहार का संबंध उस क्षेत्र की संस्कृति से होती है। संस्कृति क्या? मानवीय व्यक्तित्व की वह विशेषता या फिर विशेषताओं का समूह जो उस व्यक्तित्व को किसी खास अर्थ में महत्वपूर्ण बनाता है। तो अगर हमें किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को जानना है तो हमें उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की परंपरा, उनके तीज त्यौहार, उनके मेलों को जानना होगा। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति के सामाजिक पक्ष को जानने के लिए, मैंने क्या कहा, सामाजिक पक्ष को जानने के लिए हमें उस क्षेत्र के पर्व और त्यौहार को जानना होगा। ऐसा हो सकता है क्या, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की परंपरा जो है वो हमें लिखित रूप में मिले? ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के इतिहास के अलिखित रूपों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पर्व एवं त्यौहार को जानते हैं। क्या कहा मैंने, इतिहास के अलिखित रूपों को जानने के लिए, रूपों को समझने के लिए हम उस क्षेत्र के पर्व एवं त्यौहार को जानते हैं। और उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बचपन से लेके वृद्धावस्था तक के विभिन्न जीवन के जो रूप होते हैं, उनके जीवन के जो विविध रूप होते हैं, उनको देखने के लिए भी हम पर्व एवं त्यौहार पढ़ते हैं, जीवन के विविध रूप को देखने के लिए। तो इसलिए हमें पर्व एवं त्यौहार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें उस क्षेत्र की संस्कृति को जानना है, उस क्षेत्र की परंपराओं को जानना है, उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के बचपन से लेके वृद्धावस्था तक के विविध रूपों को जानना है, तो हमें उस क्षेत्र के पर्व एवं त्यौहार को जानना होगा। तो वैसे तो छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत सारे पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जिन पर्व एवं त्यौहारों को मनाया चाहता है हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 2554518, और इसमें 37.46 लाख जनसंख्या कृषक परिवार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उसमें लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर जो भी पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कृषि, पशु, कृषक और फसल से संबंधित है। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर मनाए जाने वाले जो भी पर्व एवं त्यौहार हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित होते हैं, ठीक है।
तो आइए जानते हैं इन पर्व एवं त्योहारों को कब कब मनाया जाता है। जब भी हम छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहारों की चर्चा करेंगे तो हम कभी भी उसे इंग्लिश कैलेंडर से नहीं जोड़ेंगे, हम ये जानेंगे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इन पर्व एवं त्योहारों को कब कब मनाया जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदू कैलेंडर कैसे होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, जो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को पता होगा कि हिंदू कैलेंडर कैसा होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से इंग्लिश कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं और हर एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो उसी प्रकार हिंदू कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं और हर एक मंथ में 30 दिन होते हैं। लेकिन ये जो 30 दिन होता है ये 15-15 दिनों में बटा होता है और हर एक 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। ठीक, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसका मंथ जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर में ख़त्म होता है। वहीं पर जब हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं हम, तो इसका मंथ चैत्र से स्टार्ट होकर फागुन में ख़त्म होता है। इंग्लिश कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इंग्लिश कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं और उसके हर एक मंथ में 30 दिन होता है, उसी प्रकार से हिंदू कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं और हर एक मंथ में 30 दिन होता है। लेकिन ये जो 30 दिन होता है वो 15-15 दिनों के दो पखवाड़े में विभक्त होता है और इन दो पखवाड़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इंग्लिश कैलेंडर है इसका जो स्टार्टिंग मंथ है वो जनवरी है और लास्ट मंथ दिसंबर है। वहीं पर अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उसका पहला मंथ चैत्र होता है और आखिरी मंथ फागुन होता है। तो आइए जानते हैं हिंदू कैलेंडर के चैत्र से लेकर फागुन तक के मंथ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैं बार बार यहाँ पर कह रही हूँ कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पर, एक बार आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम चैत्र से। पहला मंथ क्या होता है? चैत्र। अगर हम इसके 30 डेज को देखें तो 15-15 दिन के दो पखवाड़े होते हैं। जो पहला पखवाड़ा होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है और जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चैत्र माह का पहला दिन और इसके बाद ये 15 दिन, 1 से लेकर 15 दिन तक कृष्ण पक्ष होता है और उसके बाद फिर से पहला दिन स्टार्ट होता है और 1 से लेकर 15 दिन तक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ढलता जाता है और यहाँ पर अमावस्या का दिन होता है जो 15वां दिन होता है और उसके बाद चंद्रमा प्रकाशमय होता जाता है और ये जो 15वां दिन होता है ये पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन चांद पूरा होता है और इस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है और ये हर मंथ ऐसी रिपीट मोड में चलता है। ठीक है, तो चैत्र के बाद क्या आता है? बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भादो, देन अश्विन, फिर कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और अंतिम माह फागुन। तो इन 12 महीनों में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पर्व एवं त्योहारों को हम पढ़ने वाले हैं। तो बन भाई बन करके हम देखते हैं कि इन सभी माह में कौन कौन से पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जवारा पर्व की। जवारा पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। ये चैत्र माह का पहला दिन है और चैत्र माह के पहले दिन से 15 दिन तक कृष्ण पक्ष होता है। 15वें दिन अमावस्या, वहीं उसके बाद पहले दिन से 15वें दिन तक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का ये जो 15वां दिन होता है इसमें पूर्णिमा होता है। तो इस प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर, प्रथमा को हम प्रतिपदा भी कहते हैं, प्रथमा से लेकर नवमी तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसी अवसर पर महिलाएं जवारा पर्व मनाती हैं। नवरात्रि अर्थात नौ रातें। नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। ये नौ रूप कौन कौन से हैं? शैलपुत्री,
ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, एक दो ये तीसरा है ना, तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री। ठीक है, तो इस प्रकार से माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा एक से लेकर नौ दिन तक की जाती है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ अंचल में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पर जैसे कि कोरबा में सर्वमंगला माता, रतनपुर में महामाया माँ, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी देवी, तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता। तो माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, उस पहले दिन में मंदिर में महिलाएं कलश स्थापना करती है और जवारा बोती है। यहाँ से जवारा पर्व स्टार्ट हो जाता है। क्या है ये जवारा? बांस की टुकनी में मिट्टी और खाद डालकर इसमें गेहूं, जौ, अरहर बोया जाता है और 5-6 दिन के बाद ये एक पौधे का रूप धारण कर लेता है। इस पौधे के रूप को ही जवारा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि जवारा कैसा होता है। यहाँ पर महिलाएं जवारा बोई हुई है। देखिए ये है बांस की टुकनी, इसमें पहले मिट्टी और खाद डाला गया और उसके बाद उसमें गेहूं, जौ, अरहर, इस प्रकार से अनाज को बोया गया। 5-6 दिन बाद ये एक पौधे का रूप धारण कर लिया और इसी पौधे के रूप को क्या कहा जाता है? जवारा कहा जाता है। ये जो बांस की टुकनी दिख रही है इसे झेंझरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जवारा का पर्व कैसे मनाया जाता है। तो महिलाएं जो होती है नवरात्रि के पहले दिन में जवारा बोती है, उसके बाद 5-6 दिन के बाद ये एक पौधे का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ये जो जवारा है ना, ये उस वर्ष के मौसम और फसल के अच्छे बुरे होने का प्रतीक होती है। तो इस प्रकार से महिलाएं पहले दिन से लेकर 9 दिन तक इस जवारा की पूजा करती है। चूँकि ये फसल के अच्छे या बुरे होने का प्रतीक होती है, इसलिए ये इसकी पूजा करती है। माता से अच्छी फसल की कामना करने के लिए जवारा पर्व मनाती है। 9 दिन तक ये जवारा की पूजा करती है और 9वें दिन सभी महिलाएं आकर्षक झांकी के साथ पंक्तिबद्ध होकर इसे स्थानीय नदी एवं तालाबों में विसर्जित कर देती है। जब ये सामूहिक रूप से कतारबद्ध होकर विसर्जित करने जाती है तो उस दौरान ये लोग जवारा गीत गाते हैं, जहाँ पर ये स्पेशली माँ की स्तुति करते हैं। ठीक है, जवारा गीत में ये लोग माँ की स्तुति करते हैं और जवारा गीत गाते गाते जाते हैं, जहाँ पर इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि इनकी जो फसल हो वो अच्छे हो। अच्छी फसल की कामना के लिए इन्होंने जवारा को बोया। अच्छी फसल की कामना करते हुए ये इसका विसर्जन करने जाती है स्थानीय नदी एवं तालाब में और अंततः ये महिलाएं जवारा का विसर्जन कर देती है। लेकिन पूरे जवारा का विसर्जन नहीं किया जाता है, उनमें से कुछ जवारे को ये अपने पास वापस लेकर आती है और अपने प्रियजनों को दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जवारा के पर्व को मनाया जाता है। देखिए CGPSC हम मेंस की बात करें तो इस टॉपिक से संबंधित जब भी कोई सवाल आता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। आपसे क्या पूछा जाएगा? जवारा पर्व कब मनाया जाता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पोला कैसे मनाया जाता है, हरेली पर्व का वर्णन कीजिए। तो आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा इससे संबंधित तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। या तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है, या आपको ये पूछा जाएगा कि इसका वर्णन कीजिए, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका महत्व क्या है। 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में जनरली इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना है कि जितने भी पर्व हैं छत्तीसगढ़ में जो मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं। ये तीनों पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए? ये पर्व कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। तो जवारा पर्व की हम बात करें तो ये पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर नवमी तक नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। और कैसे मनाया जाता है इसकी चर्चा हमने अभी जस्ट की है। तो ठीक है, तो अब हम हमारे दूसरे पर्व की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। तो अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल
तृतीया को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हमने ये जान लिया, अब इसका महत्व जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है प्रणाली ग्रंथ के अनुसार कि वही दिन है जब सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था और इसी दिन द्रौपर युग का समापन हुआ था। इसी दिन विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और छठवां महत्व जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस दिन पुत्रा पुत्री विवाह रचाया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह को रचाने के पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भी गांधारी का कोई लग्न होने को होता था तो कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता था। उनका विवाह किसी भी राजकुमार के साथ नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, ऋषियों के कहने पर पहले पुत्रा और पुत्री का विवाह रचाया गया और उसके बाद फिर गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया के दिन इस अवसर पर लोकल क्षेत्र में पुत्रा एवं पुत्री का विवाह रचाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अंचल की बात करें तो छत्तीसगढ़ अंचल में भी जो बच्चे होते हैं वो पालक बनकर पुत्रा और पुत्री को सजा कर उसका विवाह रचाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अक्षय तृतीया, इसे अक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे अक्ति भी कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है, बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये वही दिन है जब सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था और द्रौपर युग का अंत हुआ था। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था और इस दिन परशुराम जयंती मनाया जाता है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन सबको छोड़कर आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इस दिन पुत्रा पुत्री विवाह रचाया जाता है। छत्तीसगढ़ अंचल में जो बच्चे होते हैं वो पालक बनकर पुत्रा पुत्री विवाह रचाते हैं। ये जो दिन होता है ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य या फिर कोई भी दान उसका क्षय नहीं होता है। ये दिन इतना शुभ है कि बिना पंचांग देखे आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन कर सकते हो, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया या फिर विवाह हो गया या फिर कोई भी वस्त्र आभूषण खरीदना है आपको, तो आप इस दिन खरीद सकते हो बिना पंचांग देखे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ये है परशुराम जी, ये विष्णु जी के छठे अवतार हैं। इनका जयंती होता है अक्षय तृतीया दिन के। ठीक है, इनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और जो बच्चे होते हैं वो पुत्रा पुत्री विवाह रचाते हैं। तो अगर आपको अक्षय तृतीया या पुत्रा पुत्री विवाह से संबंधित सवाल आएगा CGPSC में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि ये त्यौहार को कब मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और कैसे मनाया जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ अंचल की बात करें तो इस दिन क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो पालक बनकर पुत्रा पुत्री विवाह रचाते हैं। अब हम बात करेंगे हरेली की। हरेली का अर्थ होता है हरियाली। भीषण गर्मी के बाद हरियाई हुई धरती को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पूरे ग्रामीण अंचल में सामूहिक रूप से हरेली के पर्व को सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देखिए मैंने क्या बताया कि ये पूरे ग्रामीण अंचल में सामूहिक रूप से मनाया जाता है, तो ग्राम में निवास करने वाले अलग अलग लोगों की हरेली के दिन अलग अलग भूमिका होती है। तो 1 by 1 करके देखते हैं कि ये सभी लोगों की भूमिका कैसी कैसी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मूलतः कृषकों का त्यौहार है, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे कृषक की। ठीक है, तो धान की बुआई रुपाई हो चुकी है। धान की बुआई रुपाई के बाद ये जो कृषक होते हैं ये अपने कृषि और लौह उपकरण की इस दिन पूजा करते हैं।
प्रकृति के जिन औजारों के साथ संघर्ष करके ये अपने समाज का पेट भरते हैं, उससे बड़ा देव कौन हो सकता है इनके लिए। तो इनके लिए देवता कौन है? इनके कृषि और लौह उपकरण है, रापा, नांगर, इस प्रकार से जितने भी लौह उपकरण होते हैं ये उनकी पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जितने भी लौह उपकरण है उसे एक साथ रखा गया है और उनकी पूजा की जा रही है। तो सबसे पहले हम कृषक की भूमिका देखें, जहाँ पर कृषक क्या करता है, वो अपने लौह उपकरण की पूजा करता है, उसके बाद ये अपने ग्रामीण देवता और कुल देवताओं की पूजा करता है। क्यों करता है? ये अच्छी फसल की कामना के लिए अपने ग्रामीण देवता और कुल देवता की पूजा करता है। देखिए उस ये जो इनके ग्रामीण देवता होते हैं ना, उसमें ये लोग लोंदी छापते हैं। लोंदी, लोंदी क्या होता है इसका अर्थ मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को। देखिए लोंदी एक्चुअल में खेत की मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी को ये अपने देवी देवताओं के ऊपर छापते हैं और फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोंदी का अर्थ खेत की मिट्टी से है। अभी हम आगे और देखेंगे लोंदी का अर्थ कुछ और भी अलग होने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कृषक की भूमिका देखी। कृषक क्या कर रहा है यहाँ पर, ये अपने कृषि और लौह उपकरणों की इस दिन पूजा करते हैं, ये अपने कुल देवता और ग्रामीण देवता की पूजा करते हैं, और जो देवता होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, लोंदी छापते हैं। छापना मतलब कि उसका प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो पहली भूमिका हमने कृषकों की देखी। हरेली के दिन नमक और बगरंडा की पत्ती और नीम की डालियों का विशेष महत्व है। जहाँ पर हमने कृषकों का कार्य देखा, वहीं पर अब हम यादव समाज के लोगों की बात करते हैं। तो यादव समाज के लोग इस दिन घर घर जाकर घर के गाय, बैल, भैंस को रोग से मुक्त करने के लिए उन्हें नमक और बगरंडा की पत्ती खिलाते हैं और घर की दीवारों पर नीम की डालियाँ लगाते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को वर्षा जनित रोगों से मुक्त किया जा सके। जैसा कि हमें पता है कि जो नीम की डाली होती, नीम की पत्ती होती है, वो विषाणुनाशक होती है। तो इसलिए यादव समाज के लोग, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का पिक्चर है जो कि नीम की डालियों को अपने हाथ में लेकर खड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यादव समाज के लोग होते हैं, वो घर घर जाकर पशु को रोग से मुक्त करने के लिए, रोगों से उनको बचाने के लिए उनको नमक और बगरंडा की पत्ती खिलाते हैं, और घर घर में वो उस घर की दीवारों पर, घर के दरवाजों पर वो नीम की डालियाँ लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हरियाली को वो घर आंगन तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई यादव समाज के लोगों की भूमिका। अब हम महिलाओं की बात करते हैं। तो जो घर की महिलाएं होती है, वो इस दिन विशेष प्रकार की व्यंजन बनाती है। पहले वो क्या करती है ये हम देखते हैं। तो वो पहले बैगा के घर जाती है, वहाँ से वो जड़ी बूटी लेकर आती है। जो बैगा होता है पहले जड़ी बूटी की पूजा करता है और उसके बाद जड़ी बूटी को सभी महिलाओं को देता है। ये महिलाएँ उस जड़ी बूटी को लेकर गेहूँ आटे और चावल आटे की लौंदी बनाती है। उस लौंदी में उन औषधियों को भी रखती है और उसे अपने पशुओं को खिलाती है। देखिए इससे पहले जब मैंने लौंदी की बात की थी, तो वहाँ पर लौंदी क्या थी, खेत की मिट्टी थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं लौंदी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर लौंदी क्या है, गेहूँ और आटे की लौंदी, मतलब कि उसका ढेर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाएं क्या कर रही है, देखिए हमने कृषक की भूमिका देखी, फिर हमने यादव समाज की भूमिका देखी, अब हम महिलाओं की भूमिका देख रहे हैं। तो महिलाएं क्या करती है, बैगा के पास जाती है, जड़ी बूटी लेकर आती है, गेहूं और आटे की लौंदी बनाती है, उसमें जड़ी बूटी को मिलाती है और उसे अपने पशुओं को खिलाती है, ताकि वो उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो सके। ठीक है, और जो बची हुई लौंदी होती है उसकी अंगा कर रोटी बनाई जाती है। इस दिन गुड़ का चीला बनाया जाता है, विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तो ये होती है महिलाओं की भूमिका हरेली के पर्व में। वहीं पर जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर गेड़ी त्यौहार मनाते हैं। 20 से लेकर 40 फीट की ऊंचाई तक का वो गेड़ी चढ़ते हैं। इस अवसर पर गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता और नारियल फेंक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। देखिए यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है कि ये जो लोग हैं वो गेड़ी त्यौहार मना रहे हैं। विशेष प्रकार के यहाँ पर ये लोग वेशभूषा पहने हुए हैं और गेड़ी पर चढ़े हुए, इस प्रकार से ये गेड़ी उत्सव मना रहे हैं। मैंने क्या बताया, बच्चे इस दिन गेड़ी दौड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं। एक वीडियो क्लिप मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर वीडियो में गेड़ी दौड़ का आयोजन किया गया है, जो बच्चे हैं वो गेड़ी दौड़ कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर नारियल फेंक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। यह हरेली उत्सव का सीन है, जहाँ पर जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर गेड़ी दौड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से बच्चों के मनोरंजन का ये त्यौहार है। ठीक, अब हो चुका है शाम। हमने सुबह से लेकर शाम तक की पूरी चर्चा कर ली है, जहाँ पर कृषकों को मैंने बताया कि ये लोग अपने कृषि उपकरण की पूजा करते हैं, अपने कुल देवता और ग्रामीण देवता की पूजा करते हैं। यादव समाज के लोग घर घर जाकर पशुओं को नमक और बरगंडा की पत्ती खिलाते हैं और घर के दरवाजे पर नीम की डालियाँ खोजते हैं। वहीं पर जो महिलाएं होती है वो पशुओं को गेहूं और आटे से बनी लौंदी खिलाती है और विशेष प्रकार के पकवान बनाती है। तो जो बच्चे होते हैं वो मनोरंजन के लिए गेड़ी दौड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अब हो चुकी है शाम। शाम को हरेली के दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, चूँकि ये अमावस्या की रात है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जो चार महत्वपूर्ण अमावस्या होती है उसमें सबसे अंधेरी रात होती है हरेली के दिन। इस दिन घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता। ऐसा कहा जाता है कि इस रात को जो आसुरी शक्तियाँ होती है वो तंत्र मंत्र जादू टोना सिद्ध करती है। ये जो रात होता है वो केवल बैगा और टोन ही लोगों का होता है। क्या बताया मैंने, इस रात को जो आसुरी शक्तियाँ होती है वो तंत्र मंत्र और जादू टोना सिद्ध करती है, इसलिए जो बैगा होता है वो पूरे गांव को तंत्र मंत्र से बांध देता है। घर के बाहर प्रेत बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर इमेज में प्रेत दिख रहा है। घर के बाहर प्रेत बनाया जाता है ताकि घर को उस आसुरी शक्तियों से रक्षा मिल सके। और इसमें एक और विशेष प्रकार की बात मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर मैंने बोला कि ये जो शाम होता है ये केवल बैगा और टोनियों का होता है, वहीं पर लोहार जाति के लोग इस दिन घर के दरवाजे पर पाटी ठोकते हैं। पाटी ठोकना क्या होता है? एक्चुअल में ये जो पाटी होता है ना, ये लोहे का कील होता है। ये लोहार जाति के लोग बनाते हैं और इसे घर घर जाकर घर के जो एंट्रेंस का पार्ट होता है वहाँ पर ये ठोक देते हैं। ये आसुरी शक्तियों से घर को बचाता है, घर की सुरक्षा करता है। इनका ऐसा मानना है कि जो पाती होता है, जो छोटा छोटा किल होता है एक्चुअल में, ये क्या करता है, जब भी अगर कोई आसुरी शक्ति घर पे प्रवेश करेगी तो ये जो किल है उस आसुरी शक्ति को भेद देगा और जो भी जादू टोना, जो भी आसुरी शक्ति होती है वो वहीं पर मर जाती है। तो इस प्रकार से घर की सुरक्षा के लिए घर के प्रवेश द्वार पर लोहार जाति के लोगों के द्वारा पाटी ठोका जाता है। तो इस प्रकार से हरेली का उत्सव मनाया जाता है। अगर इससे संबंधित CGPSC में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में और 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हरेली का पर्व कैसे मनाया जाता है। हरेली कब मनाया जाता है? सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये मूलतः कृषकों का पर्व है। कृषक क्या करते हैं? अपने औजारों की पूजा करते हैं और अपने कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा करते हैं। महिलाएं गेहूं और आटे की लौंदी को पशुओं को खिलाती है, उन्हें रोगों से मुक्त करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, और विशेष प्रकार के पकवान बनाती हैं। जो बच्चे होते हैं वो गेड़ी चढ़ते हैं, गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता, नारियल फेंक प्रतियोगिता करते हैं। वहीं पर यादव समाज के लोग नमक और बरगंडा की पत्ती को पशुओं को खिलाते हैं और घर के दरवाजों पर नीम की डालियाँ लगाते हैं। तो जो शाम का समय होता है, चूँकि अमावस्या की रात होती है, तो जो शाम का समय होता है ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बैगा और टोनियों का होता है। इस रात को शाम को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि आसुरी शक्तियाँ इस दिन जादू टोना करती है। तो इसीलिए घर को जादू टोना से बचाने के लिए घर के बाहर प्रेत बनाया जाता है, जिसे सवनाही अंकन भी कहते हैं। गोबर से इस प्रेत को बनाया जाता है और घर के चौखट पर यहाँ पर पाटी ठोका जाता है लोहार जाति के लोगों के द्वारा। ठीक है, ताकि घर जो है वो जादू टोना तंत्र मंत्र से सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से हरेली का पर्व मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है। अब हम बात करेंगे भोजली की। ये जो भोजली पर्व है इसे भादो मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को मनाया जाता है। थोड़ा समझते हैं हम इसे कब और कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो भादो मास से पहले क्या आता है? सावन। हमने देखा था ना कि सावन अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी होता है। ठीक है, और सावन की पूर्णिमा को
रक्षाबंधन मनाया जाता है। फिर आता है भादों का महीना। भादों की माह का जो पहला दिन होता है, इस पहले दिन भोजली विसर्जन किया जाता है और इसी को हम कह रहे हैं कि हम भोजली का पर्व मनाते हैं। देखिए, ये भादो माह का महीना है और कृष्ण पक्ष का पहला दिन है। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सभी सीक्वेंस जो हैं ये भोजली पर्व से रिलेटेड हैं। क्या बताया मैंने कि सावन के माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। नाग पंचमी के बाद पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद पूर्णिमा खत्म हो गया तो अब आएगा भादों का महीना। भादों का जो पहला माह होता है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन, उस दिन भोजली विसर्जन किया जाता है और उसी को हम क्या कह रहे हैं, भोजली पर्व हम इस दिन मनाते हैं। अब देखते हैं कैसे मनाया जाता है। देखिए, आपको इमेज में भोजली दिख रहा होगा, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे? जब हम जवारा पर्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अवसर पर भोजली को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कभी इसे भुजरिया कहा जाता है, कभी भोजली कहा जाता है, तो कभी जवारा कहा जाता है। तो भोजली क्या है? ये वही जवारा है। क्या बताया था मैंने? जब बांस की टुकनी में मिट्टी और खाद डाल के उसमें अनाज को बोया जाता है और चार पाँच दिन के बाद जब वो एक पौधे का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जवारा कहते हैं। तो उसे ही हम भोजली भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस पर्व को कैसे मनाते हैं, आइए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन जो महिलाएँ होती है वो बांस की टुकनी में अनाज को बोती है। चार पाँच दिन के बाद ये जो अनाज है ये पौधे का रूप धारण कर लेता है और इसे ही हम भोजली कहते हैं। भोजली दो शब्दों से मिलकर बना है, भो और जली। इसका अर्थ होता है भूमि में जल। समय कौन सा है? भादों का माह है। ये वो समय है जब खेतों में बीज बोए जा चुके हैं। तो ये जो भोजली है ना, ये नई फसल का प्रतीक होता है। जो महिलाएं होती है वो अच्छी वर्षा और भरपूर भंडार देने वाली फसल की कामना करते हुए इस फसल के प्रतीकात्मक रूप भोजली की पूजा करती है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो भोजली है वो नई फसल का प्रतीकात्मक रूप होता है और इसी नई फसल के प्रतीकात्मक रूप की पूजा महिलाएं करती है। क्यों करती है? अच्छी वर्षा और भरपूर भंडार देने वाली फसल की कामना के लिए। तो हमने क्या देखा, नाग पंचमी के दिन महिलाएं भोजली बोती है और नाग पंचमी से लेकर पूरे रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक, भोजली विसर्जन के पहले दिन तक, ये क्या करती है, इस भोजली की सेवा करती है, रोज़ इसकी पूजा करती है, इसकी देखभाल करती है, भोजली गीत गाती है। और ये सब वो क्यों करती है? अच्छी फसल की कामना के लिए, क्योंकि ये जो भोजली है ये नई फसल का प्रतीकात्मक रूप है। भोजली को उगेना भी कहा जाता है। उगेने का अर्थ होता है उगना। चूंकि भोजली धरती की हरियाली होती है और इस झेंझरी में क्या उग रहा है, फसल उग रहा है जो कि जीवन का सूरज है, इसलिए इसे उगेना भी कहते हैं। यहाँ पर फसल उग रहा है, ठीक है। तो भोजली को उगेना भी कहा जाता है। हमने क्या जाना अभी तक कि भोजली का पर्व कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? नाग पंचमी के दिन ये जो महिलाएं होती है ये भोजली पोती है। चार पाँच दिन के बाद ये छोटे पौधे का रूप धारण कर लेता है और इसे ही हम भोजली कहते हैं। नाग पंचमी से लेके रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक ये फसल के प्रतीकात्मक रूप भोजली की पूजा करती है, उसका देखभाल करती है, उसकी सेवा करती है, भोजली गीत गाती है, ताकि जो अभी खेतों में फसल बोई गई है उसकी पैदावार अच्छी हो। और उसके बाद जब रक्षाबंधन का दिन आता है तो इस भोजली देवी की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर इनको राखी चढ़ाया जाता है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो कुमारी कन्याएं होती है वो सामूहिक रूप से, जैसे कि जवारा पर्व में सामूहिक रूप से कतारबद्ध होकर ये लोग विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार भोजली का भी विसर्जन किया जाता है। ये जो आकर्षक झांकी है जहां पर महिलाएं कतारबद्ध होकर भोजली विसर्जन के लिए जाती है, वो देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि धरती विभिन्न रूपों में महिलाओं के सर पर आशीर्वाद का सौगात रखती है।
तो इस प्रकार से भोजली विसर्जन किया जाता है। जब महिलाएं भोजली विसर्जित करती रहती है तो वो भोजली गीत गाती है। इस गीत में वो गंगा को संबोधित करते हुए गीत गाती है। ठीक है, जब वो भोजली गीत गाती है उसमें गंगा शब्द का बार बार प्रयोग होता है। गीत कुछ इस प्रकार होता है, देवी गंगा लहर तुरंगा, तुमरो नहर माँ भोजली के भीजे आठो गंगा। तो इस प्रकार से जो महिलाएं होती है वो माता गंगा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे देवी गंगा लहर तुरंगा, हमेशा जो पानी जिसमें रहता है लहर तुरंगा, हमारा जो भोजली है इसके आठों अंग जो हैं वो पानी में भीग जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वो भोजली विसर्जन करती रहती है तो भोजली गीत गाती है। इस भोजली गीत में बार बार गंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ गंगा को संबोधित करते हुए ये महिलाएं माँ गंगा को कहती है कि इनके भोजली के सभी अंग जो है वो पानी में भीग जाएं। लेकिन ये पूरे के पूरे भोजली को क्या विसर्जित कर देती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ भोजली को अपने साथ वापस लेकर आती है और मंदिरों में अपने प्रियजनों को और मित्रों को इसे देती है। भोजली जहाँ पर फसल का प्रतीकात्मक रूप है वहीं पर ये मित्रता का भी प्रतीक है। इस दिन एक मित्र दूसरे मित्र के कान में भोजली को खोजकर जीवन भर साथ निभाने का उसे वचन देता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर हम एक और ये देख रहे हैं कि ये जो भोजली है ये फसल का प्रतीक है, अच्छे फसल की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, वहीं पर जो दूसरा इसका पार्ट है वो ये है कि ये मित्रता का भी प्रतीक है। इस दिन एक मित्र अपने दूसरे मित्र के कान में भोजली के कुछ पौधे को खोजकर उसे जीवन भर साथ निभाने का वचन देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजली के पर्व को अच्छी फसल की कामना के लिए महिलाओं के द्वारा भादो कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। नागपंचमी के दिन महिलाएं जो हैं वो भोजली को बोती है, 4-5 दिन के बाद ये भोजली जो है पौधे का रूप धारण कर लेता है, जिसे भोजली कहते हैं। ये भोजली जो है ये अच्छी फसल का प्रतीकात्मक रूप होता है। जो महिलाएं होती हैं वो अच्छी फसल की कामना के लिए इस भोजली देवी की डेली पूजा करती हैं, इनकी सेवा करती है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसका विसर्जन कर देती है स्थानीय नदी एवं तालाबों में, और उस समय वो भोजली गीत गाती है जिसमें गंगा शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। भोजली मित्रता का भी प्रतीक होता है। इस दिन जो मित्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुला चौथ की। बहुला चौथ वैसे तो ये गुजरात का फेस्टिवल है, लेकिन चूंकि इसे छत्तीसगढ़ के अंचल में भी मनाया जाता है और इससे संबंधित सवाल CGPSC मेंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुला चौथ भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अब इसे कैसे मनाया जाता है उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि इसे क्यों मनाया जाता है तब तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि इसे कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं। द्वापर युग की बात है, कामधेनु नाम की एक गाय थी। इस गाय के मन में श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और इन्होंने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाया। ये जो बहुला नाम की गाय थी ये श्री कृष्ण के गौशाला में चली गई। धीरे धीरे श्री कृष्ण को इस बहुला गाय से अटैचमेंट होने लगा, उससे प्रेम होने लगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं बहुला की परीक्षा लूँ। जब बहुला वन में विचरण कर रही थी तो श्री कृष्ण शेर का रूप धारण करके बहुला के सामने पहुँच गए। जब बहुला शेर को देखी तो वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई और उसने शेर को कहा कि हे वनराज, मैं पहले अपने बछड़े को दूध पिला देती हूँ और उसके बाद मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ। तो शेर ने कहा कि मेरे सामने मेरा आहार खड़ा है, मैं कैसे तुम्हें जाने दूँ, इस बात की क्या गारंटी कि तुम वापस आओगी। तो उसने इसी बात को सत्य और धर्म का शपथ लेते हुए कहा। तो इस प्रकार से शेर को उसकी बात सही लगी, उसको लगा कि हाँ ये वापस आ जाएगी। तो शेर ने बहुला को जाने दिया और बहुला ने वैसा ही किया, वो अपने बछड़े को दूध पिलाकर वहाँ से वापस फिर से शेर के पास आई शेर का आहार बनने के लिए।
बहुला की धर्म परायण और उसके सत्य निष्ठा को देखते हुए श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वो अपने असली अवतार पर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सत्य निष्ठा और धर्म परायण को देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और आज के बाद से इस दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसे धन और पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो तब से लेकर आज तक बहुला चौथ भादो कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन गाय और शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। वहीं पर जो माताएं होती हैं वो अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए और पुत्र कामना के लिए श्री गणेश के निमित्त व्रत रखती हैं। तो इस प्रकार से इस दिन गाय की पूजा की जाती है और शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। बहुला चौथ बहुला नाम की गाय से इस पर्व को मनाया जाता है। स्पेशली इस दिन क्या होता है, गाय की पूजा की जाती है। जो भी इस दिन गाय की पूजा करते हैं उन्हें धन और पुत्र की प्राप्ति होती है, मतलब कि ये पर्व जो है वो समृद्धि का द्योतक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हलषष्ठी की। हलषष्ठी का पर्व बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस पर्व को हलषष्ठी क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए, इस पर्व को कैसे मनाया जाता है इसे हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसे हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, द्वापर युग की बात है, जब देवकी और वासुदेव के 6 बेटों को कंस ने मार दिया था, कारागार में उसने मार दिया था, तो अब बारी थी देवकी के 7वें बेटे की। नाराज जी की सलाह पर देवकी ने अपने 7वें पुत्र की दीर्घायु के लिए हलषष्ठी देवी का व्रत रखा था और ऐसा हुआ भी कि श्री कृष्ण के आदेश पर योग माया ने देवकी के गर्भस्थ बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के पेट में डाल दिया, रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और योग माया खुद ही देवकी के पुत्र के रूप में जन्म ली और इस प्रकार से देवकी का जो पुत्र था वो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ और वो था कौन, बलराम जी थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि माता देवकी ने बलराम जी के दीर्घायु के लिए हलषष्ठी देवी की पूजा की, उनका व्रत रखा और क्या हुआ, बलराम जी की दीर्घायु हुई, बलराम जी पैदा हुए। कैसे हुए, रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। तो तब से लेकर आज तक बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में हलषष्ठी पर्व को मनाया जाता है। इसे हलषष्ठी क्यों कहा जाता है, चूँकि बलराम जी का जो प्रमुख हथियार है वो क्या है, हल है। ठीक है, और इसे भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को हलषष्ठी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। तो जो माताएं होती हैं वो सुबह से उठकर अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। बिना अन्न और जल ग्रहण किए वो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए या फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। और उसके बाद दिन में क्या होता है कि या तो फिर घर का आंगन हो या फिर गांव का चौपाल, घर के आंगन या गांव के चौपाल में इस प्रकार से वो बनावटी तालाब बनाकर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर बनावटी तालाब बनाकर जो विभिन्न महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर हलषष्ठी देवी की और शिव और पार्वती की पूजा करती है। इस प्रकार से हलषष्ठी के दिन क्या हो रहा है, जो माताएं होती है वो अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। दिन में जितनी भी माताएं होती है वो सामूहिक रूप से या तो घर के आंगन में या तो फिर गांव के चौपाल में वो एक बनावटी तालाब बनाती है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, बीच में शिव और पार्वती और हलषष्ठी देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पर ये जो पूजा है इसमें 6 की संख्या का विशेष महत्व होता है। चूँकि इस पर्व को षष्ठी के दिन मनाया जाता है इसलिए 6 की संख्या का विशेष महत्व होता है। इस पर्व में 6 प्रकार की हलषष्ठी देवी की कथा सुनाई जाती है। 6 प्रकार के खिलौने चढ़ाए जाते हैं। जो प्रसाद होता है उसमें 6 प्रकार की भाजी होती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस पूजा में 6 की संख्या का विशेष महत्व होता है। चूंकि श्री कृष्ण गौपालन को महत्व देते थे और बलराम जी का प्रमुख हथियार हल है, इसीलिए इस पर्व में हल से जुते हुए चावल का प्रयोग
नहीं किया जाता है। बिना हल जुते हुए चावल, जिसे हम पसहर चावल कहते हैं, उस चावल को प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। और श्री कृष्ण गौपालन को महत्व देते थे, इसलिए गाय से संबंधित दूध या दूध से बने दही घी का प्रयोग नहीं किया जाता है इस पर्व में। भैंस के दूध और उसके दूध से बने घी दही घी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो पर्व है ये कहीं ना कहीं श्री कृष्ण और बलराम जी से संबंधित है, इसलिए गाय से रिलेटेड दूध दही घी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बिना हल जूते हुए चावल, जिसे हम पसहर चावल कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है प्रसाद के रूप में। ठीक है, तो जो माताएं होती हैं वो इस प्रकार से पूजा करके वो अपने बच्चे के पास जाती है, और हल्दी से भीगा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा होता है उसे अपने बच्चे के पीठ में पोता मारती है, उसे पोता मारना कहा जाता है। ठीक है, ये जो कपड़ा होता है वो हल्दी के पानी से भीगा हुआ होता है। ठीक है, वो अपने बच्चे के पीठ पे पोता मारती है और उसे फिर अपने आंचल से पोंछती है। इस प्रकार से वो अपने पुत्र को रक्षा कवच से बांधती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। ये बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या क्या बताया मैंने कि हल षष्ठी के पर्व को भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी जन्म लिए थे। जो माताएं होती है वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस पर्व को मनाती है। वो सुबह से बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखती है। दिन में ऐसे बनावटी तालाब बनाकर सामूहिक रूप से यहाँ पर हल षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। 6 की संख्या का विशेष महत्व होता है। 6 प्रकार की भाजी बनाई जाती है। पसहर चावल बनाया जाता है जो कि बिना हल जुता हुआ चावल होता है। 6 प्रकार की कथा सुनाई जाती है हल षष्ठी देवी की, और 6 प्रकार के खिलौनों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद जब माताएं पूजा कर लेती है तो फिर वो अपने पुत्र के पास जाती है, उसे वो पोता मारती है और अपने आंचल से पोंछती है, जो कि एक रक्षा कवच होता है। और उसके बाद फिर वो प्रसाद ग्रहण करती है, जो कि क्या होता है, विशेष रूप से पसहर का चावल होता है और 6 प्रकार की भाजी होती है। इसके लिए वो महुआ के पत्ते का उपयोग करती है। यहाँ पर प्रसाद में नमक भी नहीं डाला जाता है, सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर्व का आयोजन किया जाता है। और रात में गांव के एरिया में नाचा का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण अंचल में इस प्रकार से हल षष्ठी के पर्व को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे पोला की। पोला का पर्व मूलतः कृषकों का पर्व है। इस पर्व को भादो अमावस्या को मनाया जाता है। देखिए, ये वो समय है जहाँ पर खेतों में बीज बोए जा चुके हैं, खेतों में रोपाई निंदाई सब हो चुकी है। तो जो कृषक होते हैं वो अपने बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। क्योंकि इन बैलों ने उनके खेती के समय उनका बहुत हेल्प किया, इसलिए इन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए कृषक पोला का पर्व मनाते हैं। अब इस पर्व के दौरान वो क्या क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो जो कृषक होते हैं वो अपने बैलों को नहलाकर सजाकर उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद उन्हें बाजरा की खिचड़ी खिलाते हैं। वहीं पर जो बच्चे होते हैं वो बैलों का खिलौना बनाते हैं, ये मिट्टी का खिलौना होता है, इनकी ये पूजा करते हैं, इन्हें घर घर लेकर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें दिखाते हैं, जिसके बदले उन्हें उपहार स्वरूप या तो अन्न मिलता है या तो कुछ रुपए मिलते हैं। ठीक है, इस दिन बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो पोला का पर्व है पूरा का पूरा ये बैलों पर केंद्रित है। जो कृषक होते हैं वो बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए पोला का पर्व मनाते हैं। इस दौरान वो बैलों का श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खिचड़ी खिलाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बैलों का खिलौना बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें घर घर ले जाते हैं, उनकी झांकी प्रस्तुत करते हैं, उसके बदले उन्हें उपहार मिलते हैं। इस दिन बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। और वहीं पर जो महिलाएं होती हैं वो घर में विशेष रूप से व्यंजन बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि इस पोला के पर्व में बच्चे, कृषक, महिलाएं तीनों का पार्टिसिपेशन होता है। अब हम बात करेंगे तीजा की। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के पर्व को भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। देखिए, ये तीज जो है ना, ये तृतीया को संबोधित कर रहा है। क्योंकि तृतीया को मनाया जाता है इसलिए इसे तीज कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि माता पार्वती ने अपने सुहाग को अखंड बनाने के लिए पहली बार शिव जी के लिए इस व्रत को रखा था।
तब से लेकर आज तक जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस उपवास को बिना अन्न और जल ग्रहण किए रखती है। मैंने क्या बताया कि चूंकि माता पार्वती ने अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए पहली बार शिव जी के लिए इस व्रत को रखा था, तब से लेकर आज तक जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और जो अविवाहित स्त्रियां होती है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस हरतालिका त्रीज का व्रत रखती है बिना अन्न और जल ग्रहण किए। ठीक है, जो महिलाएं होती है, जो विवाहित स्त्रियां होती है, वो अपने मायके जाती है, वहाँ पर वो केले का मंडप बना के उसके नीचे शिव और पार्वती का प्रतिमा बना के उसकी पूजा करती है। रात भर जगराता का आयोजन किया जाता है, भजन कीर्तन चलता है, मतलब कि रात भर जगना होता है महिला को। ठीक है, और जब सुबह होता है तो फिर से पूजा करने के बाद व्रत को तोड़ा जाता है और अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ इससे संबंधित याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हरतालिका तीज में क्या होता है कि जो महिलाएँ होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बिना अन्न एवं जल ग्रहण किए हुए व्रत रखती है और इस अवसर पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नवरात्रि की। देखिए, नवरात्रि पर्व को हम पढ़ेंगे लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि भादो माह में कौन कौन से त्योहारों को हमने पढ़ा था, क्योंकि भादो माह में बहुत सारे त्यौहार वन बाय वन करके आए थे और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भादो माह का पहले कृष्ण पक्ष, यहाँ पर अमावस्या, नीचे शुक्ल पक्ष और उसके बाद पूर्णिमा। तो हमने किन किन त्योहारों की चर्चा की थी? पहला दिन भोजली, चौथा दिन बहुला चौथ, ये सभी कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं ना। छठवा दिन हलषष्ठी, शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन तीज, इसी के चौथे दिन गणेश चतुर्थी होता है। ठीक है, और यहाँ पर अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होता है। तो हमने इतने सारे पर्वों की चर्चा अभी तक कर ली है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि कौन से माह में होता है? अश्विन के माह में होता है। देखिए, नवरात्रि वर्ष में दो बार आता है, एक तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, और जो दूसरा नवरात्रि होता है वो अश्विन माह में आता है, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, और इसका जो दसवां दिन होता है वो दशहरा होता है। ठीक है, अब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते जाएंगे इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अश्विन के बाद आता है कार्तिक का माह। कार्तिक के माह की अगर कृष्ण पक्ष की बात करें, यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ पर बनाती हूँ। ठीक है, कार्तिक के माह की अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो यहाँ पर होता है अमावस्या। ये 15वां दिन है, ये 14वां दिन है, ये 13वां दिन है। इस दिन होता है धनतेरस, इस दिन नरक चौदस, शुक्ल पक्ष का पहला दिन प्रतिपदा, इस दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं, और ये तीसरे दिन मातर का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे दिन भाई दूज होता है। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि अब ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। इसको तो रिवीजन करने के लिए बताया कि आपको याद रखना है कि भादो माह में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चौथे दिन बहुला चौथ, छठवें दिन हलषष्ठी, इसलिए इसलिए इसे षष्ठी कहा जाता है, आठवें दिन कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चौथे दिन शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी होता है, और तीसरे दिन ये शुक्ल पक्ष में होता है तीजा। ठीक है, अमावस्या के दिन हम पोला मनाते हैं। भादो माह की बात आते हैं अश्विन का माह। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से लेकर नौवें दिन तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, दसवें दिन दशहरा होता है। फिर कार्तिक माह आता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के
13वें दिन धनतेरस होता है। ये दिवाली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है ना, दिवाली का उत्सव 5 दिन का होता है। 13वें दिन कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस, 14वें दिन नरक चौदस, 15 दिन अमावस्या के दिन दिवाली, उसके बाद शुक्ल पक्ष का पहला दिन गोवर्धन पूजा, दूसरा दिन भाई दूज और तीसरा दिन माता का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है इसके सीक्वेंस को, क्योंकि सभी एक दूसरे से अभी इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। देखो, इस 9 दिन में नवरात्रि मनाया जाता है। मैंने पहले भी बता दिया है कि नवरात्रि का उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसके बाद जो 10वां दिन होता है, उस दिन दशहरा मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर इस पहले दिन से लेकर 9 दिन तक पूजा की थी और 10वें दिन वो लंका पहुँचे थे युद्ध करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने रावण को पराजित किया था और इसीलिए 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन किया जाता है, ठीक है। चूँकि ये फेस्टिवल पूरे भारत में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से नहीं मनाया जाता, ये छत्तीसगढ़ का लोक पर्व नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे और इससे संबंधित सवाल भी CGPSC मेंस में नहीं आते हैं, तो मैं ऊपर ऊपर से इसको बताते जा रही हूँ, ठीक है। 10वां दिन हो गया, अब आते हैं हम दिवाली के दिन। दिवाली का दिन कौन सा था? ये वो दिन था जब श्री राम रावण का वध करके विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। उस समय अयोध्या के लोगों ने पूरे अयोध्या को सजाया था, वहां पर घी के दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया था। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि दिवाली के उत्सव में घरों को सजाया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। 5 दिन, ये जो 5 दिन होता है, 13, 14, 15, 1 और 2, इस 5 दिन दिए जलाए जाते हैं, फटाके फोड़े जाते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उसके बाद आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो पर्व तो हम मनाते हैं लेकिन वो हमारा लोक पर्व नहीं है। हमारा लोक पर्व क्या है? गोवर्धन पूजा है। तो आइए देखते हैं गोवर्धन पूजा हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। गोवर्धन पूजा को जैसे कि हमने देखा कि दिवाली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस गोवर्धन पूजा को पूरे भारतवर्ष में अलग तरीके से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ के लोकल एरिया में अलग तरीके से मनाया जाता है। तो पहले मैं भारत की बात करूंगी, फिर मैं छत्तीसगढ़ पे आऊंगी। तो देखिए, गोवर्धन पूजा, इस दिन एक्चुअल में गोधन अर्थात माता लक्ष्मी के स्वरूप गौ माता या फिर हम गाय कह सकते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे एक कहानी है, उसे भी हम जान लेते हैं। तो द्वापर युग की बात है, ऐसा कहा जाता है कि ये वही समय था जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली, चीनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठा के रखा था, ठीक है। और तब से लेकर आज तक इस अवसर पर उस गोवर्धन पर्वत की अर्थात गोवर्धन की पूजा की जाती है और इस पर्व को अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसे और क्या कहा जाता है? अन्नकूट उत्सव कहा जाता है। तो इस अवसर पर किया क्या जाता है? गाय की पूजा की जाती है, गाय के गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी भी पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाती हूँ गोवर्धन की प्रतिमा। देखिए, इस प्रकार से गाय के गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई, यहाँ पर देखिए कृष्ण जी हैं, ठीक है, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है। तो इस प्रकार से उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है और इस प्रकार से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गाय के गोबर से विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है, उसे पशुओं के खुर से कुचलवाया जाता है और उसी का तिलक भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ अंचल में ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गोवर्धन पूजा को यहाँ पर देवारी कहा जाता है। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा की जाती है, उसी प्रकार लोक अंचल पर ग्रामीण क्षेत्र में
दियारी के दिन मतलब कि गोवर्धन पूजा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मैंने क्या बताया, शहरी क्षेत्र में दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन लोकल एरिया में दियारी मतलब कि गोवर्धन पूजा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लेकिन दोनों जगह में लक्ष्मी जी का अर्थ अलग अलग है। जहाँ पर शहरी क्षेत्र में लक्ष्मी का अर्थ धन आभूषण हीरा है, वहीं पर यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ पशुधन से है। ठीक है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के दिन दियारी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन पशुधन की पूजा की जाती है। कैसे की जाती है, इस दिन पशुओं को नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद ग्रामीण अंचल में जो कोठी होता है वहाँ पर वॉल पेंटिंग किया जाता है। इसे हाथा देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथा देना। ठीक है, और उसके बाद फिर पशुओं को खिचड़ी खिलाया जाता है, फिर जो गांव के लोग होते हैं वो अन्न जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, गांव के लोग मतलब गांव का जो मुखिया होता है वो अन्न जल ग्रहण करता है। तो किस प्रकार से मनाया जाता है ग्रामीण अंचल में दियारी को, ये जो ग्रामीण अंचल का दिवाली है उसे कैसे मनाया जाता है, ये दिवाली है ना, पशुओं को नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जो कोठी होता है उस पर वॉल पेंटिंग किया जाता है, उसे हाथा देना कहते हैं और उसके बाद उसे खिचड़ी खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा मतलब कि दिवाली ग्रामीण अंचल में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे मातर की। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मातर का पर्व है वो दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है, तो आइए देखते हैं इस पर्व को कैसे मनाते हैं। मातर का पर्व यादव या राव समुदाय के लोगों के द्वारा दिवाली के तीसरे दिन मतलब कि कार्तिक शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये विशेष रूप से पशुपालक और चरवाहों का पर्व होता है। जैसा कि हमको पता है कि जो यादव समुदाय के लोग होते हैं वो चरवाहा होते हैं, तो इस प्रकार से ये जो पर्व होता है ये विशेष रूप से चरवाहों का पर्व होता है, जिसे कि दहिहान में मनाया जाता है। अब ये दहिहान एक नया शब्द है, इसे समझने से पहले हम एक और शब्द को जानते हैं, गोहड़ी। गोहड़ी क्या होता है, गोहड़ी एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना है, गोह और ड़ी। गो का अर्थ गाय होता है और हड़ी समूह को संबोधित करने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से गायों का या फिर कह सकते हैं पशुओं का ऐसा समूह जिसे जंगल में चरवाने के लिए ले जाया जाता है उसे गोहड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब हम दहिहान में आते हैं। ठीक है, तो ये पशुओं का वही समूह है जो कि दहिहान से रिलेटेड है। तो दहिहान एक्चुअल में इसका दो प्रकार का अर्थ होता है, एक तो दहिहान वो होता है जो कि जंगल में बनाया जाता है। जंगल में रात्रि में पशुओं के विश्राम करने के लिए लकड़ी और जो बाड़ा का घेरा बनाया जाता है उसे भी दहिहान कहा जाता है, जहाँ पर रात्रि में पशु विश्राम करते हैं उनकी रक्षा के लिए लकड़ी या बाँस का वहाँ पर बाड़ा बना दिया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गांव में सभी पशुओं को एकत्रित करने के लिए एक स्थल होता है जिसे दहिहान कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जितने भी पशु होते हैं उनको एकत्रित करके फिर जो चरवाहा होता है वो उसे चराने के लिए लेकर जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दहिहान होता है जहाँ पर सभी पशुओं को एकत्रित किया जाता है उन्हें चराने के लिए लेके जाने के लिए, इसी दहिहान में इस मातर के पर्व को मनाया जाता है। देखो, मातर शब्द का अर्थ क्या है, मातृ शक्ति। हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या करते हैं इन लोग। ठीक है, तो मातर के त्यौहार में राउत जाति के लोग खोड़हर देव की पूजा करते हैं। खोड़हर देव की प्रतिमा लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार की लकड़ी होती है। एक्चुअल में ये जो खोड़हर है ना, ये खांडा शब्द से आया है और खांडा का अर्थ होता है तलवार। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि राउत जाति के लोग दहिहान में मातर का पर्व मनाते हैं, उसमें ये लोग क्या करते हैं, खोड़हर देव की पूजा करते हैं। खोड़हर देव खांडा शब्द से आया जिसका अर्थ होता है तलवार, और ये जो खोड़हर होता है
इसे लकड़ी से बनाया जाता है। ये एक्चुअल में एक प्रकार की लकड़ी होती है और जो लकड़ी की प्रतिमा होती है उसे ये लोग क्या कहते हैं, घोड़हर देव कहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मातर का मतलब होता है मातृशक्ति। तो अब इन सभी शब्दों को हम कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल में माता की शक्ति क्या हो सकती है, उनका हथियार, और उनका हथियार क्या है, तलवार है। तो ये जो तलवार है यही क्या है, खोड़हर देवता है, ठीक है। और खोड़हर देवता किससे बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से माता की शक्ति का प्रतीक है ये खोड़हर, ठीक है, जिसे लकड़ी से बनाया जाता है या फिर लकड़ी की जो एक प्रतिमा होती है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि मातृशक्ति के प्रतीक खोड़हर देव की यहाँ पर पूजा की जा रही है, जो कि एक्चुअल में एक लकड़ी है, ठीक है। देखो मातर का मतलब मातर जगाना भी होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मातृशक्ति को यहाँ पर जगाते हैं। ये मातृशक्ति को जगाने का पर्व है। मातृशक्ति को जगाकर अपने पशुधन की रक्षा करने के लिए ये लोग मातर का पर्व मनाते हैं। मैंने क्या बताया, मातृशक्ति जो कि खोड़हर देव है, ठीक है, उनको जगाकर अपने पशुधन की रक्षा करने के लिए ये मातर का त्यौहार मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, दहिहान में मनाते हैं। तो दहिहान एक मैदान होता है कह सकते हैं, यहाँ पर ये लोग खोड़हर देव की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। दिन भर यहाँ पर विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में डंडा पकड़ के यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता है, खोड़हर देव की पूजा की जाती है और एक विशेष प्रकार के खेल का आयोजन किया जाता है जिसे डांड कहते हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डांड खेल होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो दो लोग होते हैं ना, वो एक बोरे में मुर्गे को डाल देते हैं और उसे बांध देते हैं, ठीक है, और उसे पूरे मैदान में घसीट कर लेकर जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो मुर्गा होता है वो आवाज़ लगाने लगता है, तो वहाँ पर जितने भी बैल भैंस जो भी पशु होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके एरिए में कोई उनका दुश्मन आ गया है। क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, सभी के सभी उसके पीछे भागते हैं, जो आवाज़ वो बोरी से जो आवाज़ आता रहता है उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो पूरा दृश्य ऐसा होता है कि एक तरफ मुर्गे की आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ जितने भी पशु हो रहे हैं सब दौड़ रहे हैं अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए, और अंततः वो जो मुर्गा होता है वो शांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी बलि दे दी जाती है, और ये जो पशु होते हैं वो शांत हो जाते हैं ये सोच के कि अब हमारे एरिया में दुश्मन जो है नहीं है, वो चला गया है। तो इससे हो क्या रहा है, इस खेल से ये जो पशु होते हैं ना, इनमें वीरतापूर्ण जोश और उन्माद जागृत होता है। ये इनके अंदर अपनी रक्षा के लिए चेतना जागृत की जाती है। तो इस प्रकार से पशुओं को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, उनमें अपनी रक्षा के प्रति चेतना जागृत करने के लिए इस खेल का आयोजन किया जाता है। फिर अंततः मातर भोज का आयोजन करके इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर मातर के पर्व को राउत जाति के लोग दहिहान में मनाते हैं, दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन ये लोग खोड़हर देव की पूजा करते हैं, जो कि एक लकड़ी का प्रतिमा, एक जो कि एक लकड़ी की प्रतिमा होती है, इसे दहिहान के बीच में गाड़ा जाता है, उसके आसपास नृत्य का आयोजन किया जाता है, खोड़हर देव की पूजा की जाती है। ये जो खोड़हर देव होते हैं ये मातृशक्ति का प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार से मातृशक्ति को जगाकर पशुधन की रक्षा के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। और जो खेल का आयोजन किया जाता है, जो डांड खेलना मैं कह रही हूं, वहां पर भी क्या कर रहे हैं, इस पशुधन के अंदर, इन पशुओं के अंदर उनकी रक्षा के लिए वो चेतना जागृत कर रहे हैं, ठीक है। और अंततः मातर भोज का आयोजन करके इस पर्व का समापन कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे देव उठनी। देव उठनी इस पर्व को कार्तिक शुक्ल के एकादशी को मनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इसे जेठौनी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इस पर्व को जेठौनी कहा जाता है। देव उठनी का मतलब होता है देवों का उठना। पौराणिक वेद और पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन क्षीर सागर में शयन कर रहे विष्णु जी को जगाकर सभी शुभ कार्य को आरंभ करने की प्रार्थना की गई थी, और इसी दिन से जितने भी शुभ कार्य हैं, चाहे विवाह की बात हो, गृह प्रवेश की बात हो, किसी आभूषण को खरीदने की बात करो, जितने भी शुभ कार्य जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस दिन से क्या कह रहे हैं हम, जो देव हैं वो उठ जाते हैं
और इस दिन से जो भी शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो किया क्या जाता है देवउठनी एकादशी के दिन? तो इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर, देखिए यहाँ पर गन्ने का मंडप दिख रहा है, गन्ने का मंडप बनाकर, यहाँ पर तो राधा कृष्ण की मूर्ति है लेकिन विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा की जा रही है। तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और तुलसी के पौधे और शालिग्राम की प्रतिमा का गोधली बेला में विवाह रचाया जाता है। दो बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, एक तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और दूसरा यहाँ पर तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है, इसलिए इस पर्व को तुलसी पूजा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर देवी देवता हैं, इनकी पूजा की जा रही है। ठीक है, तो वैसे तो ये छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है नहीं, तो हम इसे ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि देवउठनी एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है और इसे जेठौनी भी कहा जाता है और इसे तुलसी पूजा भी कहा जाता है, इतना याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। छत्तीसगढ़ का ये लोक पर्व है नहीं तो आपको ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे छेरछेरा की। छेरछेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है छत्तीसगढ़ का, इसे ध्यान से पढ़िएगा। छेरछेरा अन्नदान का महापर्व है। छेरछेरा क्या बताया मैंने, इसे अन्नदान का महापर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखते हैं। इस पर्व को पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? फसल की कटाई के बाद फसल का खलिहान से घर आने की खुशी में इस पर्व को पूरे ग्रामीण अंचल में सामूहिक रूप से मनाया जाता है। मैंने क्या बताया, इस पर्व को कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? फसल की कटाई हो चुकी है और ये जो फसल है ये खलिहान से अब घर में आ चुके हैं, तो फसल के खलिहान से घर में आने की खुशी में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से पूरे ग्रामीण अंचल में मनाया जाता है। इस दिन गाँव की छुट्टी होती है, गाँव में कोई भी कार्य नहीं करता और कोई भी गाँव से बाहर नहीं जाता, सभी लोग सामूहिक रूप से छेरछेरा का पर्व मनाते हैं। तो हमने ये जान लिया कि कब मनाया जाता है और ये भी जान लिया क्यों मनाया जाता है। ठीक है, नई फसल के खलिहान से घर आने की खुशी में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? तो जितने भी बच्चे, युवक, युवती, महिलाएं, मतलब कि सारे वर्ग के लोग जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं, घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज में दिख रहा है कि जितने भी बच्चे हैं ये किसी घर में आए हैं और वो अन्न का दान मांग रहे हैं। ये घर घर जाकर गीत गाते हुए कहते हैं कि छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। कोठी वो प्लेस होता है जहाँ पर धान को रखा जाता है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि छेर छेरा अन्न का दान दो हमें, कोठी के धान ला हेर हेरा, मतलब कि कोठी के धान को निकाल के हमें अन्न का दान दो। ऐसा क्यों किया जाता है? खुशी मनाने के लिए किया जाता है। सभी के घर के कोठी में धान का भंडार होता है तो एक शेयरिंग होता है, यहाँ पर अपने खुशी को शेयर करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। और इसे अन्नदान का महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन अन्न का दान किया जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, जो युवक युवतियां होती हैं, वो घर घर जाके अन्न का दान मांगते हैं, छेरछेरा गीत गाते हैं, छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा करके, और जिस घर में भी जाते हैं उस घर की महिला जो होती है वो अन्न का दान देती है अपने कोठी से दान निकाल के, मतलब कि वो चावल निकाल के उन्हें देती है। जो युवक वर्ग के लोग होते हैं वो घर घर जाकर डंडा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस उत्सव को पूरे ग्रामीण अंचल में सामूहिक रूप से मनाया जाता है। तो अभी तक हमने छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले जितने भी प्रमुख लोक पर्व हैं उनकी चर्चा कर ली है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं किन किन पर्वों की हमने चर्चा की। तो स्टार्ट करते हैं जवारा पर्व से, है ना। तो जवारा पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। फिर हमने देखा पुत्रा पुत्री विवाह, जिसे हम अक्षय तृतीया या अक्ति भी कहते हैं। इसे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, फिर हमने चर्चा की हरेली की। हरेली सावन अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली के बाद भादो माह में आने वाले विभिन्न पर्वों की हमने चर्चा की, जिसमें भोजली पर्व, हल षष्ठी, बहुला चौथ, तीजा, पोला, इन सारे पर्वों की हमने चर्चा की। और भादो माह के बाद हमने अश्विन माह में नवरात्रि पर्व की चर्चा की। फिर उसके बाद कार्तिक माह में दिवाली की चर्चा की। दिवाली के बाद हमने देखा गोवर्धन पूजा कैसे किया जाता है। गोवर्धन पूजा को ग्रामीण क्षेत्र में दिवाली कहा जाता है।
दिवाली के दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, और उसके बाद कार्तिक शुक्ल तृतीया को मातर त्यौहार कैसा मनाया जाता है उसे देखा, और अंततः हमने छेरछेरा की बात की जिसे पौष माह में मनाया जाता है। तो ये जितने भी पर्व हैं इसे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित CGPSC के पिछले वर्षों में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। देखिए, 2 मार्क्स में 2013 में एक सवाल आया था, छेरछेरा पर्व का वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स में पूछा गया था इस सवाल को। आप आराम से बता सकते हैं कि छेरछेरा पर्व कैसे मनाया जाता है। देखिए, 2 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हम इसे एक साथ ही देख लेते हैं। छेरछेरा पर्व का वर्णन कीजिए, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले खमर छठ के बारे में आप क्या जानते हैं, नवरात्रि कब मनाते हैं ये किससे संबंधित है, हरतालिका उत्सव का क्या महत्व है। ये तो चारों प्रश्न हैं 2013, 14, 17 और 18 में पूछे गए हैं, 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो मुझे लगता है कि आप आराम से लिख लेंगे। आपको बस इतना बताना है कि ये पर्व कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। और अगर ऐसे आपको सिर्फ 2 मार्क्स में बताना है तो कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है आप इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स में 2012 में एक सवाल पूछा गया था कि लोक संस्कृति का क्या अर्थ है। जब मैं इस लेक्चर को स्टार्ट कर रही थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी हम तीज त्यौहार की बात करते हैं तो वहाँ पर लोक संस्कृति की चर्चा होती है, ठीक है। लोक संस्कृति कहीं ना कहीं तीज त्यौहार से संबंधित है। अगर हमको संस्कृति के सामाजिक पक्ष को देखना है तो हमको वहाँ के पर्व एवं त्यौहारों के बारे में जानना होगा। तो जो स्टार्टिंग में मैंने चर्चा की है उसे आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। 2014 में 4 मार्क्स में फिर से सवाल आया था कि हरेली त्यौहार के बारे में लिखिए, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में आप इसमें लिख सकते हैं कि हरेली त्यौहार को सावन की अमावस्या को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसका किसका पर्व होता है, किसकी किसकी भूमिका होती है। आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 60 वर्ड में, ठीक है। हरतालिका का क्या महत्व है, 2015 में 60 वर्ड्स में सवाल को पूछा गया था। हरतालिका तीज कब मनाया जाता है, भादों के माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी बता सकते हैं। पोला से आप क्या समझते हैं, 2016 में इस सवाल को पूछा गया था, 60 वर्ड्स में आपको लिखना था। और 8 मार्क्स में 2013 में एक सवाल पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व कैसे मनाया जाता है। 2013 में 8 मार्क्स, हाँ, तीजा पर्व कैसे मनाया जाता है, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि तीजा पर्व कैसे मनाया जाता है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो देखिए, यहाँ पर हरेली और तीजा को 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ लोक पर्व भोजली के बारे में बताइए, बता सकते हैं आप आराम से कि भोजली क्या होता है, ठीक है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 2013 में आया था, छत्तीसगढ़ के प्रमुख 30 त्यौहारों का वर्णन कीजिए, 20 मार्क्स में पूछा गया था उस समय। लेकिन अब आपको 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। और अगर आपको 30 त्यौहारों का वर्णन करें तो जितने भी 30 त्यौहार आप बहुत आराम से बता सकते हैं, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आप इतना ही बता दीजिए। तो 175 वर्ड्स में आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं कि CGPSC में इस टॉपिक से संबंधित बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछे जाते। आपको सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ये त्यौहार कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए, इसका महत्व बताइए। तो ये जितने भी सवाल हैं, अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आपको बस यही जानना है कि इस पर्व को कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको और जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।